बिहार देश का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है। यहाँ की प्रमुख फसलों में मक्का भी शामिल है। बिहार मक्के के उत्पादन की कहानी यह है कि राज्य में 100% मक्के की संकर किस्मों का उत्पादन होता है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का पांचवा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। मसलन देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 9% है। अब बिहार मक्का उत्पादन के अपनी इस विशेषता से विकास की नई इबारत लिखने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत बिहार ने मक्के से आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस उद्देश्य के साथ बिहार ने एथेनॉल उत्पादन का कोटा बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं। भारत में बीते रोज देश की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार भी लॉन्च हो चुकी है। एथेनॉल को महंगे पेट्रोल और डीजल का विकल्प माना जा रहा है। ऐसे में बिहार मक्के से एथेनॉल का उत्पादन कर प्रदेश में एथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने की योजना के साथ काम कर रहा है, लेकिन एथेनॉल उत्पादन के कोटे में लगी रोक मुसीबत बन चुकी है। एथेनॉल आधारित वाहन की शुरुआत के साथ इसके इस्तेमाल के लिए रास्ता तैयार हो गया है, जो इसको उत्पादन करने वाले प्रदेशों के लिए खुशखबरी है। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां एथेनॉल का उत्पादन तो हो सकता है, लेकिन उत्पादन का कोटा सीमित है। असल में कोटे के तहत इस वक्त बिहार सिर्फ 36 करोड़ टन एथेनॉल का उत्पादन कर सकता है, जबकि बिहार की क्षमता की बात करें तो राज्य 100 करोड़ टन सालाना उत्पादन कर सकता है। वहीं एथेनॉल उत्पादन में बिहार की तुलना उत्तर प्रदेश से की जाए तो मौजूदा समय में एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में उभरा है। राज्य भर में फैले इसके 54 डिस्टिलेटर कुल 58 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न करते हैं। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर तेल कंपनियों को बिहार से एथेनॉल खरीद का कोटा मक्का उत्पादन के अनुपात में आवंटित करने की मांग की है। असल में बिहार में अभी तक 139 कंपनियों को एथेनॉल उत्पादन के लिए स्टेज वन का क्लियरेंस मिला है, जो अपनी उत्पादन क्षमता 4 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 58 करोड़ लीटर तक करने में सक्षम है। आगे और भी कंपनियों ने बिहार की आकर्षक एथेनॉल पॉलिसी को ध्यान में रखकर यहाँ अपनी इकाई लगाने के इरादे जता चुकी है। इसका मुख्य कारण बिहार में इसके लिए पर्याप्त कच्चा माल भी उपलब्ध होना है। देश के कुल मक्का उत्पादन वाले क्षेत्रफल में बिहार की हिस्सेदारी 7% और कुल मक्का उत्पादन में 8.9% का योगदान है। भारत सरकार की ओर से एथेनॉल खरीद के लिए जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत देश में कुल 648.5 करोड़ लीटर सालाना एथेनॉल खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। मक्का उत्पादन में 8.9% हिस्सेदारी के हिसाब से बिहार का दावा सालाना 58 करोड़ टन तेल कंपनियों की ओर से खरीद का बनता है। उधर केंद्र और राज्य के एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की शुरुआत बिहार के पूर्णियों से हुई है। पूर्णियों की गणेशपुर में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित यह ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट के बनने में 96.76 करोड़ की लागत लगी है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है और इस प्लांट में मक्का और ब्रोकेन राइस से एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके शुरू होने से रोजगार के भी कई अवसर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।